हमारी भी गैदरिंग है, ये भी बता अब हम बैठे हैं माशाल्लाह से, बैठते हैं खाना वाना खा लेते हैं, चाय पी लेते हैं, गपशप हो जाती अच्छा है। दादी साहब, ये यहाँ मुल्तान में जी जी गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है, लाहौर में पड़ती है, फैसलाबाद में, हाँ जी मियाँ वाली सरगोधा में जी, ये कोई ना अब बाजियाँ आने वाली हैं। हाँ जी, इन्हें कोई बहुत बेहतरीन उड़ाने वाला नुस्खा बताए। अच्छा ठीक है, सबको उड़ाने वाला नुस्खा जो ना उड़ाने तो वाले, आप गर्म मुल्तान में रहते हैं आप। सही है, और पहले मैं उड़ाने की बात बताता हूँ, उसमें हमें ये देखना होगा कि डोज कितनी देनी है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम यहाँ पे ये। हाँ जी ठीक है ना जी, और कैसे देनी है, क्योंकि कबूतर के वज़न में और इंसान के वज़न में बहुत फ़र्क है। आप वही गोली इंसान को दे रहे हैं और वही कबूतर को दे रहे हैं, तो वो समझे कि आप बहुत बड़ा उसको, तो आप समझें कि आपने अगर इंसान वाली उसको एक गोली दे दी, तो जैसे इंसान अगर क्योंकि किसी भी मेडिसिन की 10 टेबलेट खा ले, तो वो तो या तो उसका हार्ट फेल हो जाएगा, क्या काम से बस वो, या फिर उसका स्टोमिक अपसेट हो जाएगा, या फिर वो अस्पताल पहुंचा हुआ होगा। तो वो आप कबूतर को खुद ही अस्पताल पहुंचा रहे हैं इतनी हैवी डोज दे के। तो एक तो हम इसके ऊपर बात करते हैं, आपका अच्छा पॉइंट, बड़ी अच्छी बात है। और पहले क्या होता था, इंटरनेशनल रिसर्च किया है इसके ऊपर। उससे पहले मैं बताऊं आपको, ये परों का प्रोसेस हम जरा कर लें। जब आपने कबूतरों के पर आपके आ जाएं, तो आपको बाहर निकालना है। तो 2 दिन पहले आपने अजवाइन की और काली मिर्च और सौंठ, ठीक है, हम वज़न ले के आपने 10-10 ग्राम कर लो, 5-5 ग्राम कर लो कबूतरों के हिसाब से, उसको आपने दरदरा करके पोटली बना देनी है उसकी। वो पोटली आपने पानी जो उनको देना है ना, उसमें आधा घंटा पहले डाल देनी है, जैसे टी बैग डालते हैं हम अपना ग्रीन ग्रीन टी या चाय का। तो वो उसमें खुद ब खुद उसका असर आ जाएगा। फिर पोटली आपने कोई हिलानी नहीं, निचोड़नी नहीं, उसको 2-3 दफ़ा यूँ हिला के तो निकाल देना है बाहर, निचोड़नी नहीं, और उसको रख दें, वो नेक्स्ट डे भी काम आएगी, उसे खोल के आप खुश्क कर लें। तो वो कबूतरों को आप देंगे निकालने से 2 दफ़ा, और उसके 2 दिन बाद आप निकालेंगे, ये दाने के बाद देनी है आपने। इससे कबूतर आपका बेबस होके कुंडा शैल होके गिरेगा नहीं, इससे कबूतर आपका ज़ाया नहीं होगा, इससे कबूतर आपका अनकशी नहीं करेगा। और कबूतरों को आपने निचले टाइम पे निकालना है, पहले 11 बजे 12 बजे, और 5-5 8-8 कबूतर करके छोड़ेंगे आप, इकट्ठे निकालेंगे तो ज़रा वो चेबाजी में उड़ जाते हैं, आगे लग जाता है पर से पर, तो उनको 8-8 10-10 करके आप निकालते रहोगे। शाम तक आप इनको आनी जानी करते रहें, ऊपर नीचे होते रहें, आपने इनको इसी तरह निकालते रहें, हफ्ते हफ्ते तक आप निकालते रहें। फिर टाइम इनका पीछे लेते आएँ, 10 बजे ले आएँ, 9 बजे ले आएँ, 8 बजे ले आएँ, 7 बजे ले आएँ, उसके बाद आप इनको नॉर्मल इनको उड़ाना शुरू करें। और उड़ाने के लिए आपने इनको शुरू में लगातार लेनी है फड़के, अच्छा ठीक है ना जी, ताकि ये अपने जिस्म को बनाएंगे, और उसमें कोई आपने इनका घी तेल बंद कर देना है। अच्छा, हर चीज़ बंद कर देना, आधा कर देना, और बाजरे पे ले आना इनको, खाली बाजरा, खाली बाजरा। और बाजरा भी आपने कोशिश करनी है कि अगर इनको निकाल रहे हैं तो आप जल्दी 2 बजे तक कर दें इनको। बाजरा भी कोशिश करें मुल्तान से लेके जाए, क्योंकि यहाँ का बाजरा बहुत मशहूर है, रुझान का या कमर मशानी का करें, ये कमर मशानी या रुझान का, ये अच्छा बाजरा है, और वलैती बाजरा बिल्कुल ना दें, ठीक है जी। तो ये करेंगे आप, इससे पहले जो हम बात कर रहे थे इनकी, जो आपने इनको सुबह तो दे रहे हैं आप इनको भोरों का नाश्ता, तो ये जो दाना है इनका मैंने बताया ना, इसमें भी आपने एक दिन पहले यही जो रोगन है ना, सारे 4 रोगन मैंने बताए, उसमें एक आपने जैतून का रोगन भी शामिल करें, 4/4 जैतून है, जैतून, बादाम रोगन, तिल और तारामीरा, इनको आपने दाने के वज़न के हिसाब से 1 रात पहले ही मिक्स कर देना है दाने में, दाने में 1 रात पहले कर देना है मिक्स, वो दाना जज्ब कर लेगा, दूसरे दिन वही दाना डालना है आपने। ये रोज़ाना प्रैक्टिस रखनी है आपने कबूतरों को बाहर निकालने से पहले तक, उसके बाद आप इनको 3-4 दिन 5 दिन पहले बाजरे पे ले आएंगे, और जो तरीका बताया है वो पानी आप इनको देंगे, तो इंशाल्लाह कोई कबूतर ज़ाया नहीं होगा, पर अच्छे आएंगे, मुलायम आएंगे, बेस्ट हो जाएगा काम। एक चीज़, अब वो बाबा जी का सवाल था उड़ाने के उड़ाने बारे के बारे तो मैं बता रहा था, ये जलालुद्दीन के पास थे हकीम बदरुद्दीन साहब, ये जितने नुस्खे हमारे पास घूम फिर के आ रहे हैं ना,
तो और उसमें कुछ लोगों ने रद्दबदल भी की अपने अपने हिसाब से, तो ये हकीम बदरुद्दीन साहब से आए आए हैं नुस्खे, ठीक है ना जी। वो किसी के पास आधा पहुंचा, किसी के पास पूरा पहुंचा, किसी के पास ऐसे, ये यहाँ से वो, इसीलिए वो बाय द टाइम रिजल्ट वो नहीं आते उनके। लेकिन देसी नुस्खों से बेहतर नुस्खा कोई नहीं है। और आपका कबूतर की अगर लाइन ब्लड ठीक है और उसमें वो खसूसियत हैं जो हम डिस्कस कर चुके हैं, उसके बैलेंस सही है, उसका फॉर्मेट सही है, स्ट्रक्चर सही है, ठीक है ना जी, तो जो भी उसका सांचा एक रिक्वायर्ड है वो चीज़ें पूरी हैं, तो आपको कोई नुस्खे पानी की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। तरतीब सही रखनी है आपने इनके दाने पानी की, जो इनको आप नॉर्मल रूटीन में देते हैं, खुराक की बस, ग़िज़ा उनकी आप सही रखें। अच्छे कबूतर ने उड़ना ही उड़ रहे हैं, हम अच्छे कबूतर को ख़राब कर लेते हैं अपनी गलतियों की वजह से, कोताही की वजह से, संभाल ना होने की वजह से। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जो बाबा जी बात करना चाह रहे थे, मैंने मिसाल दी थी कि इंसान आपको पहला तो, अब ये रिसर्च है गोरों की, उन्होंने ये पहले सवाल उठाया कि इंसान कितना खाना खाता है और कबूतर कितना खाना खाता है, ठीक है। तो इंसान का आप कर लें एवरेज वेट लगा लें उसका 70-80 केजी, हमारे पाकिस्तान में वो दिन में 1 किलो खाना खाता होगा टोटल मिला के, बिल्कुल ऐसे, ठीक है ना जी। कभी नाश्ता कम कर लिया तो दोपहर को खा लिया, दोपहर को खाया तो रात को लाइट खा लिया, ये उसकी एक नॉर्मल रूटीन है। तो उसका वज़न है इंसान का 70 केजी, ठीक है जी। तो किलो यानी 70 लगा लें, 80 लगा लें, लगा लो 70 एवरेज कर, खाना किलो खाता है, खाना किलो खाता है। तो 30 दिन में ये खाता है 30 किलो नॉर्मल इंसान, और इसका वज़न है 70 किलो। तो ये अपने वज़न के हिसाब से तकरीबन 1/3 खाता है एक महीने के अंदर, ठीक है। कबूतर का वज़न कितना होता है? तकरीबन आप लगा लें कि दाना कितना खाता है? 500-250 ग्राम। इतने यहाँ 250 ग्राम बहुत ज़्यादा मतलब है, वरना अच्छे कबूतर का 200 ग्राम होता है, 200 ग्राम होता है जो गोश्त, 250 लगा लें। हाँ जी, अच्छा जी, तो दाना कितना खाता है कबूतर एक दिन में? ये तकरीबन इतना ही खा लेता है। तो इसका मतलब है कबूतर का जो पोटा है वो बहुत फास्ट काम करता है, ठीक है। और ये जो है इसके खुडे में आप देखें, जब इसको आप दाना देते हैं ना, ये 1 घंटे बाद से बीटर स्टार्ट कर देता है, शाम तक करता रहता है। तो इसका पोट मुसलसल प्रोसेस करता रहता है, पोटे से दाना पोट में जाता है, और पोट में जब नालियों में जाता है तो ये उसे ऐसे ग्राइंड मशीन की तरह चलाता है कि सब पत्थर लकड़ सारा। तो जब कुदरत ने इसको ये सलाहियत दी है तो हम इसके ऊपर वो तजर्बात ना करें जो इंसानों के लिए हैं, या उसकी डोज में हमें कुछ ना कुछ एक बैलेंस करना पड़ेगा। ये चौधरी रमजान साहब हैं यूके में मेरा, ये उनकी रिसर्च थी कबूतर कितना खाना खाता है, इंसान कितना खाता है। तो कबूतर एक दिन में इंसान के 30 दिन के बराबर खाना खा लेता है अपने वजन के हिसाब से, ठीक है। लेकिन इस फार्मूले को हम कबूतर के नुस्खे और मेडिसिन पर अप्लाई नहीं कर सकते। इंसान के जिस्म में 3 गुना पानी है, कबूतरों के जिस्म में भी इतना ही पानी होता है, हर जानदार शय में जिसमें खून दौड़ता है उसमें पानी की मिकदार इतनी होती। तो कबूतर को आपने जब भी कोई डोज देनी है ना पानी की शक्ल में, वो उसके वजन के हिसाब से देनी है, ठीक है। इंसान के लिए अगर 1 टेबलेट है तो आप समझें वो कबूतरों के 15 कबूतरों के लिए 1 टेबलेट है, बिल्कुल सही, ठीक है ना जी। क्योंकि वो भी इसलिए है कि उसका प्रोसेस फास्ट है डाइजेस्ट करने का, तो वो आपको मैं ऐसे एग्जांपल देता हूँ जो आप ये मेडिसिन वाली बात करते हैं, मैं गर्म पानी का भी बता दूंगा, वो जरूरी है, वो जरूरी है वो 3-4 बता दूंगा मैं, ठीक है। तो पहले मेडिसिन लेते हैं, मेडिसिन जब आप देते हो ना कबूतर खुश्क होता है, ठीक है। उसको आपको तरबी करना है, अभी कैसे करना है ये एक अलहदा मौजू है, फिर उस पर हम बाद में बात करेंगे, बहुत लंबी बात हो जाती है फिर। आपने देखें कबूतर को, अच्छे कबूतर को ना, और एक कबूतर 2 बजे बैठ रहे, एक कबूतर शाम 4 बजे बैठ रहे,
और एक कबूतर 12 बजे बैठ रहा है, तो इनकी परवाज़ों में क्वालिटी में फ़र्क है, फर्क है। तो चलते जो कबूतर खुद परवाज़ दे रहे हैं आपको 4 से 4 बजे तक जेठ में, उनको ख़राब ना करें, सिर्फ उनके पोटे का ख्याल रखें। अब हम ये बात ज़रूर कर सकते हैं कि जो हमें 12 बजे वाला है उसको लेके जाना है 3 से 4 के दरमियान, और जो 2 बजे वाला है उसको 4 से 5 के दरमियान, या आपका बाजी फंस गई है, मुकाबला फंस गया है, आपको 4 बजे वाले को लेके जाना है 5 बजे 6 बजे 7 बजे, तो करना आपको कितना पैमाना आपको रखना है कि जो उसको वापसी घर ले आए, रात ना बसर को वो करे बाहर। उसके लिए देखें मैंने बताई है, मकदार बहुत ज़रूरी है। आप फॉर एग्जांपल एक मोटी, ये आम चीज़ें हैं, मोटी वाली ले लिया आपने, एक गोली एक मेथियोकोबाल ले लें, वो भी एक ही है, एक ही है, और एक आप मॉडर्न या मॉडर्न लें या डस्का लें, मॉडर्न लें या डस्का लें, ओके, और हाफ आप ले लें डेल्टा कार्ड, हाफ ये क्योंकि स्टीराइड है, ढाई गोलियां होगी, ढाई गोलियां, तीन, साढ़े तीन होगी, एक मेथिकबाल, तीन गोली है वो, एक हाफ है ये, अच्छा ठीक होगा, मोटीवाल डस्का ले लें या मॉडर्न ले लें, डस्का ले लें ज़्यादा बेहतर है, वो भी सम फार्म ऑफ स्टीराइड, और आधी लेनी है आपने डेल्टा कार्ड, ठीक है, इनको आपने ग्राइंड कर लेना सबको, ठीक है जी। अब ये अगर आपका वो 12 बजे वाला कबूतर है ना, उसके लिए डोज बनानी है, और 2 बजे वाले के लिए, तो ये बनाएंगे आप 22 cc में, 22 cc में, 22 cc दूध और पानी मिक्स लेंगे, आधा दूध आधा पानी, आधा दूध आधा पानी, 11 cc लेंगे आप, तो ये है आपके 12 से 2 बजे वाले कबूतरों के लिए। अच्छा ये हमें ये बताएं, दूध ठंडा हो या गर्म हो या दोबारा उसमें पानी डाल, आपने दूध को सौंफ में बॉईल कर लेना पहले, पानी और दूध को दोनों को कर लें या दूध को बॉईल करके रखें आप, एक ही बात हो जाएगी, वो तो कच्ची लस्सी होगी ना, बात सुने, वो कच्ची लस्सी बनेगी ना, पहले दूध को आप सौंफ में बॉईल कर लें, ओके, पानी डाल के, पानी डाले बगैर कर लें, भले पानी डाल के कर लें, अच्छा, क्योंकि इतना सा 11 सीसी दूध तो बॉईल नहीं होगा, ज्यादा ही होगा, बॉईल तो आपका आधा बहुत दूध तो करेंगे ना आप, उसको सौंफ में बॉईल कर लें आप, सौंफ में ठीक है, सौंफ कितनी चुटकी डाल, भाई एक चुटकी डालनी है, वो तो घर वाले दूध में भी डाल सकते हैं आप, क्योंकि कोई नुकसान नहीं है उसका सौंफ का। फिर आपने जो है 11 सीसी दूध लेना है, ओके, और 11 सीसी बॉइल पानी लेना है आपने, ओके, हाँ यही मैं कहने वाला, मैं इसी तरफ लाना चाहता था, खुद ही आ गया, पैमाना आउट हो जाता ना, अगर मैं वैसे करता तो आप, इनका पैमाना ही असल चीज है, जी थैंक यू, बिल्कुल ऐसे ही, असल में पैमाना है फार्मूले में, डोज खराब ना हो आपकी, डोज खराब ना हो। तो ये आपके 12 से 2 बजे वाले कबूतरों के लिए, और आपके कबूतर हैं 4 से आपने 7 बजे तक लेके जाना है, तो उसमें आप यही दूध आधा पानी 35 cc लेंगे। अच्छा 35 cc, हाँ जी, आधा दूध आधा पानी टोटल, अगर कबूतरों को ऊपर लेके जाना है हमने, और 4 बजे वालों को ऊपर लेके जाना है, 7 बजे वालों को, हाँ जी, मैं दो चीज़ें बता रहा हूँ आपको, 12 से 2 बजे वाले कबूतर, ओके, और जो आपका 3 से 4 5 बजे जा रहा है उसके लिए, Okay. उसके लिए आप आधा दूध आधा पानी 35 cc लेंगे, मेडिसिन यही होगी, मेडिसिन यही होगी, यही होगी, पानी और दूध में फर्क आ जाएगा, जी हाँ, वो थोड़ा सा बढ़ जाएगा, जी अच्छा, वो आगे। अब आ जाए आप डोज के ऊपर, okay. डोज आपने वो लेनी है इंसुलिन वाली सिरिंज, इंसुलिन के अंदर पूरी सिरिंज में 1 cc आता है, फुल में 1 cc आता है, तो ये हम जो देते हैं ना, सीसी दे दिया, एक दे दिया, दो दे दिया, ये तो समझो आपने उसे रॉकेट बना दिया कबूतर को, ये यहाँ पे समझने की चीज़ है। तो जो आपके कबूतर हैं 4 बजे वाले, उनको आपने सिर्फ इंसुलिन के 2 पॉइंट देने, दो पॉइंट किन कबूतरों को, 4 बजे वालों को, अच्छा ओके, कितने, 4 बजे वालों को, दो पॉइंट, ठीक हो गया, तो ये ना होने के बराबर है, Okay. लेकिन काम पूरा करेगी, काम उनकी तो पहले ही परवाज बेहतर, काम पूरा करेगी, अच्छा जी, बहुत अच्छा। अब आपने 12 से 2 वालों को देने हैं 4 पॉइंट, वो पानी भी तेज है थोड़ा सा, हाँ जी, वेरी गुड, अच्छा, सुबह आपने ये रिपीट करना है, ये आपने रात को 10 बजे दे दिया,
और हल्का सा कबूतरों को गर्म कर दें आप। गर्म वाली वो बताता हूँ पहले, ये पूरा हो जाए ना काम यही रह जाता है फिर। आपको जल्दबाजी ज्यादा होती है फिर वो समझने वाले वो भी। नहीं नहीं, ये अगर हम दूध देते हैं किस टाइम देंगे, और रात को अगर पानी गर्म देते हैं वो भी बताना है आपने। इसके साथ ही देना है वो बता दूंगा मैं। अच्छा वो जो जो 3.5 गोलियां हैं उसको इस्तेमाल में कैसे लानी है? वो तो बता दिया है ना। नहीं वो बाकी वेस्ट कर देना आपने, बस जो पानी बचा है ना वो वेस्ट कर देना। अच्छा 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 ठीक है। या आप रख लें अपना संभाल के, सुबह आपको वो क्योंकि देना है, बाकी वेस्ट कर देना आपने फिर सुबह के बाद ही, फिर बच जाएगा ये। ये मैंने उसका जो डोज है ना, ये मैंने डोज बताई है, समझ रहे बात को, आपके डोज कितनी होनी चाहिए। इसको जो भी दोस्त अपना नुस्खा देता है ना, कोई भी उसकी मेडिसिन हाथ में चढ़ी हुई है, डोज समझ ले वो यहाँ खराबी है बस। यहाँ आके हेर फेर हो जाता है। आसमान नहीं फाड़ना आपने, आसमान तो नहीं फट सकता, कबूतर फटेगा। बिल्कुल सही बात। और गिरेगा कहीं जाके, हौसले के साथ कबूतर को आपने जो तरीके मैंने बताए हैं कि उसको खुराक दाना पानी आप वैसे कर रहे हो, खुराक का अलहदा हिसाब है, बादाम की खुराक भी चल रही है, सब चीज़ें तो ये करने हैं आपने। सुबह फिर आपने क्या करना है, रात को 10 बजे आपने दे दिया वो गर्म पानी, मैं बताता हूँ उसके साथ। सुबह आपने चलते हुए सबको 2-2 पॉइंट देना है पलटने के बाद। पलट लिया और 4 बजे पलटने हैं सुबह आपने। अच्छा जी, ये तो सारी रात खुडे में रहे, जहाँ भी रहे, शुद्ध शौक तो शौक है। अलार्म लगा के सोए तो बाजियों को टाइम है ना। हाँ बाजियाँ फिर तो। अच्छा, तो आपने सुबह 4 बजे पलट देने, ठीक है, उनको आप जितना भी पानी देते हैं ना पलट के बिठा दें। अच्छा ठीक है जी। फिर आपने अगर सुबह उड़ाने हैं 5:15 बजे कबूतर जी, ठीक है जी। तो आज 15 मिनट पहले आप उनको ये 2-2 पॉइंट देंगे, जो वही पानी दूध वाला, वही पानी दूध वाला एविल सिरप के साथ। सिरप के साथ? हाँ जी, ये पहली दफा सुन रहे हैं बाबा जी, गौर करें जरा। बहुत बेहतरीन बात। अच्छा जी जी जी, एविल सिरप आपने उसी पानी के अंदर आधी सीसी मिक्स करना है, वो 35 सीसी में तो बचा हुआ पानी आपका, 35 सीसी वाला या 22 सीसी वाला, दो कैटेगरी बनाई है ना मैंने, अच्छे टॉप वाले ऊपर वालों की और नीचे वालों की। अच्छा ठीक है। अच्छा उसमें एक सीसी कितना? आधी सीसी एविल और 1 सीसी पानी, ओके, वो लेके उसमें आपने मिक्स कर देना, ठीक हो गया। और सुबह आपने 15 मिनट पहले 2-2 पॉइंट इसके दे देने हैं, और पॉइंट जो है वॉल लगा के देना है कबूतर को, आपने उसकी ये दवाई उसके हलक में ना लगे कबूतर के। बिल्कुल सही, अंदर जाके जो पोटे में उतरे आपने भरना है, फिर पानी से धोना है, फिर आपने देना है, फिर निकाल के उसको धोना है, फिर नए कबूतर के लिए भरना है, जब दवाई टच हो जाएगी तो फिर उसे धोएं पानी में, ठीक है। फिर आप 2-2 पॉइंट आपने ये सब कबूतरों को देने हैं, ठीक है। ये 2 पॉइंट लाइट से, इसलिए रात को कबूतर ने आराम से इनको अपने जिस्म का पार्ट बना लिए। अब सुबह जब ये पानी आप देंगे 15 मिनट पहले उसको, कबूतर आपका कुंदा नहीं रोकेगा, सीधा आसमान जाएगा, 0 पॉइंट पे ना यहाँ फंसेगा कहीं आके, ठीक है जी। और जब वो आसमान बंद हो गया तो आप बेफिक्र हो जाएं, वो उड़ के ही आएगा, अपना टाइम करके आएगा, ठीक है जी। अब इसके अंदर लोगों ने मॉडर्न डालनी है, डस्का डालनी है, या आप और हैं सेंट्रम ये वो अपने जो भी है, मैंने इनको उसका पैमाना बता दिया है, मैंने पैमाना बता दिया है, पैमाना कबूतर के वज़न के हिसाब से, इंसान के वज़न के हिसाब से उसको कितनी डोज चाहिए। वो जब करेंगे दोस्त तो उनको वो फ़र्क नज़र आएगा। ये दे देते हैं 1-1 सीसी, 2-2 सीसी, 3-3 सीसी, जुलम इंतहा। बस कोई जो रह गया सामने या घर पे खुल गया वो तो आ जाएगा, और आएगा तो कहेगा कि मैं अब संभलता नहीं हूँ, बात मर जाते हैं, ठीक है जी। अब आ गई बात संभाल की, नहीं पानी गर्म के पहले बता दे, गर्म पानी क्योंकि वो रह जाएगा फिर वो दोस्त कहेंगे। गर्म पानी में दो बता देता हूँ, एक नॉर्मल कबूतरों के लिए जो ये 4 बजे की कैटेगरी है, और एक जो आपके नीचे वाले कबूतर हैं उनके लिए। तो पहले तो आप नोट करें जो नीचे वाले कबूतर हैं, और ये 1 सीसी से ज़्यादा नहीं देना पानी। रात को
एक सीसी पानी ये और 7-8 सीसी सादा पानी में देना है ये पानी, ये रेशो तभी बनेगी इसकी, वरना तो मजाइल बना दो आप तो फिर वो मजाइल ही बनेगा। हाँ। गया तो गया फिर तो कंट्रोल से बाहर होगा। पहले आपने लेनी है मोटी इलायची, एक दिन का पानी बता दूं, एक दिन मोटी इलायची लेने, उसके बीज निकाल लें, 5 काली मिर्चें और 2 लौंग, 1 दालचीनी का पत्ता छोटा, 1 चुटकी अजवाइन खुरासानी, 1 चुटकी अजवाइन देसी, सही है, सौंफ 1 चुटकी, अकरकरा इंडियन अकरकरा 1 लकड़ी, ठीक है, मलेठी 1 लकड़ी, जायफल जेवतरी 1 लकड़ी, ठीक है, फिलफिल दराज, उसको मगा भी कहते हैं, मग 1, अच्छा ठीक है, और आपका जो है आप उसमें दें एक चीज भूरी दखनी मिर्च, अच्छा दखनी मिर्च, ठीक है, सफेद 3 अदद, हाँ जी, ठीक हो गया जी, और आप उसको दें इसमें 1-1 टुकड़ा जायफल जेवतरी का, जायफल जेवतरी, ठीक हो गया, और 1 पत्ता तेज पात का, तेज पात, पात में इस्तेमाल होता है। हाँ, मैंने देखा है, बिरयानी वगैरह। तो ये तो है आपकी थोड़ा निचले कबूतरों के लिए पानी। ओके। और ये बता दे कितने लीटर में? हाँ, ये 1 लीटर में से जब आधा लीटर रह जाए जी। नहीं, ये बल्कि ये तो एक दिन का बताया मैंने। हाँ जी। तो इसको आप इस्तेमाल तो 2-3 दिन भी कर सकते हैं क्योंकि ज्यादा बनेगा। इसको 1 लीटर में आपने पकाना है हल्की आंच पे, जब आधा रह जाए तो इसको भर के रख लें आप। ठीक है, अब इसमें क्वांटिटी आप देख लो मैंने कितनी कितनी बताई है। 1 सीसी मैंने कोई ये नहीं बताया कि इसमें 5 काली मोटी इलायची डाल दो, 20 लौंगे डाल दो, 20 वो बता दो, मैंने तादाद जो बताई है उसको ही रखनी है, वही रखनी है। अच्छा, इसमें मुनक्का ऐड कर सकते हैं? हाँ, करना चाहें तो कर लें, मुदब्बिर है, थोड़ा वो कर देगी, करने को तो छुआरा भी आप ऐड कर सकते हो इसमें, वो थोड़ा मौसम के हिसाब से भी देखना होता है ना। नमी के मौसम में बता दूं, नमी के मौसम में ये बगैर मेडिसिन के शाम बिठाएगा कबूतर। नमी बारिश वारिश हो गई जैसे, हाँ जैसे आप मौसम चेंज आ गया थोड़ा, चेतर वसाख लगा ले तो ये शाम बिठाएगा, या असू लगा ले, हाँ शाम बिठाएगा इंशाल्लाह, यही पानी शाम बिठाएगा, इसमें कोई मेडिसिन नहीं है। बिल्कुल सही है। 1 सीसी में 7 सीसी सादा पानी देना है साथ आपने। 1 सीसी में 7 सीसी सादा पानी रात 10 और नीम गर्म या कोई जो नॉर्मल होता है पानी, कोसा पानी, कोसा पानी। गर्म तो बॉईल तो कर लिया ना आपने। ओके। बहुत अच्छा। उसमें से 1 सीसी देना है। सही है। अच्छा जी, अब आ जाए आप जो कबूतर आपका 4 बजे बैठ रहा है जी। ये उसके लिए सिर्फ आपने मोटी इलायची 1 अदद, 2 लौंग, 5 काली मिर्च, 1 फिलफिल दराज, अकरकरा 1 लकड़ी, ठीक है जी, भूरी मिर्च 2, ठीक है जी, और दालचीनी 1 पत्ता, बस। अच्छा, अकरकरा काफी लंबी होती है, अजवाइन खुरासानी की 1 चुटकी। अच्छा, अकरकरा काफी लंबी होती है, जितनी दालचीनी लेनी है उतनी 1.5 इंच से ज्यादा ना। ओके, ठीक होगा, क्योंकि वो इतनी लंबी ना डाल दे, 1.5 इंच। सही है। इसको भी आपने अब देखो, इसका आप पैमाना देखो, ये 1 किलो पानी में पकानी है ये भी आपने। अच्छा। ये भी 1 किलो पानी में पकानी है। ठीक। जब आधा किलो रह जाए, ये आपने उनको अच्छे कबूतरों को 1 सीसी देना सादे पानी के साथ। ठीक। वही सादा पानी 1 सीसी और 7 सीसी वो। अब ये बताएं, इससे कबूतर कभी भी नहीं जलेगा? कभी भी नहीं जलेगा, क्योंकि है ये 1 सीसी। आएगा तो मुंह नहीं खोलेगा, आएगा तो मुंह भी नहीं खोलेगा। अच्छा, एक इसमें रह गई, दोनों नुक्सों के अंदर सौंठ डालनी है आपने, 1 टुकड़ी सौंठ, वो इसमें पानी में भी और पिछले पानी में भी सौंठ, बस 1 इतना टुकड़ा डालना है, सौंठ डालनी है आपने। ठीक हो गया, दोनों पानियों में डालनी। तो ये नमी के मौसम में इसी बगैर मेडिसिन के शाम बैठेगा कबूतर इसमें, और ना तलख होगा ना आके नोक खोलेगा। सही है। ये हमने सिर्फ उसको एक एनर्जी दी है कि भाई बूस्ट करें।
अच्छा, रात को अब कबूतर आपके आगे, कबूतर आपके वापस, अब हम समाल के ऊपर बात करें। जी जी जी, जो बाबा जी की बात थी वो बेहतर है, वो सबसे जेठ की, मैं ज्यादातर मैं जेठ 15 जेठ जेठ की बात कर रहा हूँ। जी जी, आपको कोई लंबे चौड़े ना वो करने की जरूरत नहीं है। कबूतरों को आपने पानी जो है वो हमेशा बॉयल ही इस्तेमाल कराना है, चाहे वो पलटने के लिए, चाहे वो आपके मतलब है उनको पानी देना है, मेडिसिन पानी देना है, उनको बॉयल पानी देना है आपने इस पूरे दौरान में, महीना दो महीना पूरे प्रोसीजर में, पूरे में ठीक होगा, क्योंकि बैक्टीरिया ना जाए कबूतर के अंदर। हाँ, बैक्टीरिया ना जाए। और चीज़ें साफ़ सुथरी रखें, अपनी नलकियाँ साफ़ सुथरी रखें, सरिंजे साफ़ सुथरी रखें। और ये नुस्खा जो बताया मैंने डांगियालों के लिए भी, ये 100% है। हाँ, ये डांगी वाले मेरे दोस्त बड़ा फोन करते हैं। अच्छा, उनके लिए भी 100% है। अच्छा, एक बात और रहेगी, डांगी वाले जो है ना, ये सारा मुकम्मल दाना पानी ये वो सारा कुछ यही वही है। हाँ वही, क्योंकि आपके उधर पट्टी। हाँ, ऐसे यही है। हाँ, वो पानी की नलकियाँ ज्यादा देते हैं, वो कबूतर आदित होते हैं, वो उठा लेते हैं, उन्होंने एक एक दो दो कबूतर उड़ाने होते हैं, यहाँ पे 11 कबूतर उड़ते हैं। जैदी भाई, एक और है जो छिलके मकई मक्की से छिलका ऊपर से तार के रात को भगोते हैं, सुबह देते हैं, तो वो कबूतर की क्या वो खुराक होती है या क्या होता है, या क्या वो हम जो हैं हाई फ्लायर उनको भी आदि कर सकते हैं? कर सकते हैं, ये कबूतर को आदि करने वाली बात है। ये रिहाइश देते हैं, कुछ लोग खुराक की रिहाइश दे देते हैं, बादामों की खुराक की, उसमें सब्जी इलायची और इसके साथ रिहाइश वाली खुराक और होती है, वो दूसरी खुराक और होती है। हाँ, तो वो दे सकते हैं, अगर आपके कबूतर उस पर हिल गए हैं तो हम अपने कबूतरों को 10 से 15 20 से पानी 20 cc पानी देते देते उठा लेते थे वो। अच्छा, हाई फ्लायर को, हाई फ्लायर को भी ठीक है, वो आदि करना पड़ता है आपको। सही है, ठीक हो गया। अब आए जी वही संभाल के, संभाल में बहुत ही सिंपल रखना है अपने कबूतरों को, चाहे जितने मर्जी बजे आपका, 3 बजे 4 बजे 5 बजे जेठ में जैसे मर्जी बैठे, ठीक हो गया। आपने एक किलो पानी बॉयल कर लेना है। ओके। और पानी बॉयल आपके कूलर में पड़ा होना चाहिए। सही है, सही है। 20 लीटर पानी आपके बॉयल पड़ा होना चाहिए कूलर में आपके, उसमें बर्फ नहीं डालनी, कुछ नहीं करना, पानी बॉयल पड़ा है आपके पास। समझे, नीम गर्म पड़ा हुआ है आपके कूलर में, जो भी है, नीम गर्म से भी कोसा हो जाए, कुछ भी हो जाए, उबला हुआ होना चाहिए, बैक्टीरिया ना हो उसमें। आपका 1 लीटर पानी में आपने संभाल के लिए 1 चम्मच लेना है ORS और 1 चम्मच ग्लूकोस, और 1 cc या आधी cc आप ले लें CAC 1000। ये पानी आपने बना लेना है। CAC कहाँ से? वो आम मेडिकल स्टोर मिल जाती है। CAC 1000 कैल्शियम की टेबलेट है ये। ओके। ये लेनी है या ब्राको लेना है अपने। अच्छा। वो भी कैल्शियम की टेबलेट है। वो कितने? वो भी एक आधी भी ले लें तो बहुत है। ठीक है। हाँ, आधी भी ले लें तो बहुत है, एक भी ले लें तो कोई हर्ज नहीं है। सही है। ये 1 किलो पानी आपने बना के रखना है। ठीक है। और इसमें 1 चुटकी आपने नमक डालना है। सही है। अच्छा। हाँ, कबूतर आता है डिहाइड्रेट होके ऊपर से, जो हम कहते हैं उसमें 3 गुना पानी होता है, वो 3 गुना पानी में से मुश्किल से जो कबूतर का 10% रह जाता है, 10 से भी कम रह जाता है, बाजे 0 हो जाते हैं। अच्छा। हाँ, तभी वो आके लेट जाता है, तो वो डेफिशिएंसी आई हुई होती है उसको। जैसे हम बंदा को हैजा हो जाए, डिहाइड्रो हो जाए, सनस्ट्रोक हो जाए, तो उसको हम डिहाइड्रेट हुए बंदे को ग्लूकोज की बोतल लगाते हैं हॉस्पिटल ले जाते हैं, फर्स्ट एड देते हैं उसको। जी, जी। तो वो वहाँ फर्स्ट एड मांगता है। सही है। पहले तो कबूतर को आपने आके सफाई करनी है, पलटाना है। मैं अभी पलटाना नहीं है, अभी कुछ नहीं करना, साफ करना है। साफ करना है। उसके जिस्म में फिजा की आलूदगी आई होती है सारी। अच्छा, अच्छा, ठीक है। वो आपने हवा मारनी है ब्लोअर से, उसके जिस्म की मट्टी करनी है, नाक साफ करनी है, गला साफ करना है। ये कॉटन बड होता है ना, उससे गला साफ करें आप। ओके। रुई से या कपड़े का मलमल का बना के उसके कपड़ा अपने गले में उतार के साफ करना है। वहाँ भी कबूतर के पोल्यूशन आई भी होती है, क्योंकि आप हो गया पोल्यूशन का दौर। फिर आपने उसकी नोज जरूर साफ करनी है, नोज उसकी बंद हुई होती है उस टाइम। ठीक है जी। वो साफ करेंगे तो कबूतर संभलेगा। Okay. उसको आपको शक करना पड़ता है, मुंह में लेके चूसना पड़ता है। अब ये तो फिर मेहनते हैं ना, बहुत आप कर लेते हैं ये पॉइंट, आप कर लेते हैं। बाबा जी ऐसी तफसील, बाबा जी ऐसी तफसील से बातें हो रही हैं कि मैं कहता हूँ शायद ही किसी ने बताई होगी किसी चैनल पर, नहीं है।
अच्छा आप ऐसे कर लेते हैं ऐसे? मुझे करना पड़ता है। नहीं करोगे तो फिर आप बताओगे, बताओगे कैसे फिर? अच्छा बताना भी पड़ता है, सिखाना भी पड़ता है शागिर्दों को, महावत को भी। आपने ये पानी रखा हुआ है, आपने जब ये कर लिया कबूतर को छोड़ दें 5 मिनट तक, और जहाँ वो बैठता है जिस खुडे में छोड़ना वहीं आप। ओके, जहाँ उसका बना हुआ है घर है, नीचे आपकी टाट की बोरी पड़ी हो जिसमें पानी डरा हुआ हो। अच्छा, जो आटे की बोरी होती है ठंडी होती है, टाट वाली, टाट वाली, जूट वाली। जी जी जी, वो आटे की बोरी बड़ी जो होती है ढाई के मान वाली, आपने नीचे बिछाई हुई हो उस पर पानी डला हुआ हो, वो उसका इन्वायरमेंट बेहतर हो। बहुत ठंडा नहीं होगा लेकिन सुकून दे होगी, वो अच्छी होगी। कूलर में, पंखे में, एसी में नहीं रखना कबूतर को, कबूतर जुड़ जाएगा वरना खराब हो जी। फिर आपने कबूतर को जब ये सफाई कर ली है, कबूतर के पीछे चर्बी होती है, अच्छा, उसको आपने पानी से धो के साफ करना है, बीट वाली जगह। हाँ जी, हाँ हाँ, उसके पूरे मकद को साफ करना है ताकि वो जब पानी चलाएगा, उसी वजह से नहीं चला रहा होता कबूतर, गैस भी खारिज करता है, वो भी रुकी हुई होती है, वो बंद हो जाती है पीछे से, चर्बी जब निकलती है उसे सील कर देती है। तो ये है एहतियातें, जब आ गया वो, ये कर लिया आपने काम, कबूतर पानी मांग रहा है आपका, कबूतर के आगे सादा पानी आप जो है ना सारा का सारा रख दें, वो लगाने दे गोता उसे पानी के अंदर, कोई बात नहीं, पूरा पोटा भर के जी भर के पिए, ठीक है। जब उसने पी लिया तो कबूतर ने अब यूं लेना है पीछे, ऐसे यूं गोते लेने, तो आप उसको 3 से 4 मिनट वो रखने दे, गोते खा ले वो, भड़ास निकलने दे उसकी। अब आपने कबूतर को पकड़ के पलट देना है, जब आपने पलटना है अपने यहाँ पे रख के, तो ये पैर पे पानी आपके गिरे, पैर पे पानी आपके गिरे, वो पानी देखना आपने कितना गर्म है, वो कबूतर की गर्मी आपको बताएगा। अगर ज्यादा गर्म है तो आपने फिर पानी पे उसे छोड़ देना, वो पानी पे आएगा, फिर आएगा पानी पे वो, ठीक है जी। तो यही बना हुआ पानी आपने उसको देना है, फिर पानी पीने दे उसे पोटा भर के, वो बना हुआ 5 मिनट पहले आपने पलट दिया बने हुए पानी से, छोड़ दिया उसको। कबूतर को जब आप पलटते हैं तो 5 से 7 cc अंदर रहता है उसके, समझ रहे बात को, मार रहता है। और आप कबूतर को थोड़ा चलाते फिरते रहे, दुम से पकड़ के पंजों का जोर लगवाएं, वो जोर लगाएगा तो पोटा चलाएगा, आते चलाएगा, अपना पीछे से चर्बी निकालेगा, निजाम को दुरुस्त करेगा। हाँ जी, तो कबूतर को आप देखेंगे वो चर्बी मारेगा फिर, बिल्कुल। और फिर आप पानी रखते हैं, वो फिर पानी पे आता है, फिर उसको पानी पीने दे पूरा, वही बना हुआ, वही बना हुआ। अब फिर उसने पी लिया पानी जी। और फिर आपने अब देखा कि ये फिर बैठ गया, उसको आपने फिर पलट देना है, फिर 5 cc पानी उसके अंदर है अभी। जब तक कबूतर चर्बी मारना बंद ना करे और नहीं चलाए बीट अपनी, आपने ये 2 से 3 दफा अमल जारी रखना है, 5-5 मिनट बाद, 10-10 मिनट के अंदर, ठीक है। पहला 5 मिनट में, दूसरा 7 मिनट में, तीसरा 10 मिनट में, ओके, ठीक है जी। इसके बाद आप देखेंगे कबूतर अपना पानी भी चला रहा है, पोटा भी चला रहा है, और आधे घंटे बाद कबूतर को आप फिर 10 cc पानी देंगे। जब वो पानी चला जाए, 50 cc पानी आपने चलवाना है कबूतर का, ये चल जाएगा तो कहेगा मुझे खाने को दो खुद ब खुद, चाहे वो शाम के 7 बजे बैठा है, चाहे वो, जब तक कबूतर आपका पानी ना चलाए, चर्बी मारनी बंद ना करे, साफ पानी की बीटें ना चलाए, और नीचे ठोंगे ना मारे खाने के लिए, आपने रात 1 बजे तक भी कुछ नहीं देना उसे खाने के लिए। भूखा रहेगा तो सही है, मरेगा तो नहीं, नहीं मरेगा, बिल्कुल नहीं मरेगा, इसी से वो सेट हो जाएगा। फिर आपने उसको देखना है कि अब ये कोई अपने वजूद में आ गया, वजन पकड़ लिया, पानी पूरा कर लिया उसने, 50 cc चला गया ना, पूरा कर जाएगा पानी, 50 cc उसकी रिक्वायरमेंट है बॉडी की। फिर आप उसको अगर देख रहे हैं कि थोड़ा सा ये कमजोरी महसूस कर रहा है, तो वही गर्म पानी जो बना हुआ है, जो बना हुआ है, जो बना हुआ है, इसी पानी में आधा cc मिक्स करके दे दें, वो जो रात को दिया था हमने, रात को दिया था हमने, अच्छा, उसमें आधा cc और 7 cc ये दे दें बना हुआ पानी। अच्छा ठीक होगा, ये जो बना हुआ है ओरेक्स का और इसका, ये दे दें, इसमें वो डालना 1 cc, 1 cc वो डालना, वो 5 cc, हाँ वो 5 cc, ठीक होगा। आधा cc भी दे दें तो वो, ये आप यहाँ से कबूतर को हराता नहीं शुरू हो जाएगी, ठीक होगा। तो पहले ही वैसे वो घंटे में कबूतर हो जाता है, लेकिन बाद टाइम होता है, आपने कबूतर नहीं संभलता, नहीं आप वो कोई हरकत की भी होगी तो उसको असर भी तो जाहिल करना है ना, क्योंकि उसका गोली का असर खत्म करना है हमने, उसका ये समझे कि जो बॉडी मैसर है वो खत्म हो जाएगा। हाँ।
ठीक हो गया ना। तो ये है उसका सिंपल संभाल का तरीका। जब आप ये दो तीन दफा कबूतर को पानी दे देना, कबूतर की भूख खत्म हो जाती है। अच्छा, आपने बीच में बोला है कि यार आप इसको सादा पानी पीने दे, पूरा गोते लगाने दे। कई लोग बोलते हैं, कई लोग, कई उस्ताद भी कहते हैं कि जब ये पानी बंद कबूतर पीता है ना, सादा पानी फुल पीता है और ये अपनी पोट में या जिस्म में ले जाता है, उसको खेलना शुरू हो जाता है। कुछ नहीं होता क्योंकि ये भी क्लियर कर देना। नहीं, ये नहीं होता। अगर खेलना शुरू हो भी जाए कोई कबूतर, अच्छा, तो उसको आप ना दम कर दें। ये हमारी ढांगीले कबूतरों में होता है, अच्छा, उसको दम करना कहते हैं, कर यहाँ भी सकते हैं, अच्छा। उसको यही गर्म पानी दे के ना आप, जो रात को दिया था ओके। हाँ, दूसरे दिन जब दूसरे दिन, वो तो दूसरे तीसरे दिन तो आपको पता लगना है, वो तो जब निकालेंगे तो आपको पता लगना है ना। लेकिन अगर आपको खदशा है ये कबूतर खेलने लग जाता है, तो उसको आपने यही गर्म पानी दे के ना, जो सख्त, जो पहला वाला 12 चीजों का गर्म पानी, रात वाला, जो जो हल्के कबूतरों के लिए था, उसको डब्बे में बंद कर दे धूप में, ठीक है, अच्छा। हाँ, 1 cc पानी दे के 10 cc सादा पानी दे दे, 1 cc और 10 cc 11 cc धूप में डब्बे में बंद कर दे, ओके। तो 1 घंटे बाद आप उसको निकालें, ठीक है, तो आप देखेंगे वो थोड़ा उसका शायद पसीना भी निकला हुआ होगा पैरों के पास से, या उसने पिचकारियां मारी हुई होंगी, ठीक है, तो वो ये खेलने नहीं लगेगा उसमें। हाँ, उसको आप उसे, वो आप उसी टाइम उड़ा के देखें उसको घंटे बाद, अच्छा। हाँ, अगर रिस्क लेना है तो, अगर रिस्क लेना है, लेकिन वो रात को बैठता तो वो खत्म हो गया। सही है। अच्छा, क्योंकि कई लोगों की रिक्वायरमेंट भी होती है कि यार जो खेलना शुरू हो जाता ना कबूतर, उसका कोई लब्बे लुबाब बताए कि यार ये ठीक करने का तरीका, तो ये आपने बता दिया, तफसीलन बता दूं इसके अंदर। इसी में आपका पास पुराना गुड़ होना चाहिए, ठीक है, उसमें आंबा हल्दी डालें, ओके, और 2 तीलियां डालें उसमें जाफरान की, ठीक हो गया। तो इस ये भी उसको देंगे और ये दम कर देंगे तो वो सेट हो जाएगा, ठीक हो गया। दाबू कहते हैं ये, दाबू कर दे किसी डब्बे में या किसी कमरे कर दे, वो दम भी होता है ना, जैसे चावल को दम देते हैं, रखना धूप में, देखो रखना धूप में ही है गर्मी में, क्योंकि पानी तो दिया हुआ कौन सा मरेगा वो तो। अभी एक सवाल आपको करना चाहिए था, वो शायद मिस हो गया। ये कबूतर बाय द टाइम बड़ा सही उड़ रहा होता है, जब आप देखते हैं दूसरी तीसरी बाजी में सुबह ही बैठ जाता है। हाँ, ये तो बिल्कुल सही है, ये तो होता ही नहीं, हमने आना था लेकिन काफी लेंथी हो गई है मूवी, इसलिए थोड़ा थोड़ा स्लो कर रहे हैं जी। अच्छा जी, तो वो कबूतर जो है ना, वो जो हम कोई हरकत करते हैं ना, उस वजह से खराब होता है। बाजे कबूतर होते हैं कड़वे, अच्छा। हाँ, जब आप खुडे में जाते हैं ना, मादियों के खुडे में जाए, नर खुडे में जाए, कोई मादी आपके हाथ नहीं रखने देती है आपको, या कोई नर आपको हाथ नहीं रखने देता, वो कबूतर के 100% चांस होते हैं उसने ये हरकत करनी है। अच्छा, वो बैठे। अगर आपने उसको छेड़ा तो सही है। वो छेड़ नहीं मानता, गुस्सा करता है। वो छेड़ नहीं मानेगा, वो सुबह ही बैठ जाएगा, 10 मिनट बैठने के बाद दोबारा उड़ेगा, बैठेगा शाम को। अच्छा, ठीक है। उस कबूतर को या तो आप कोशिश करें, ऐसा कबूतर जो कड़वा कबूतर है, खुडे में आपको हाथ नहीं रखने दे रहा, उसको कोशिश करें सिलेक्ट ना करें बाजी के लिए। नहीं, या फिर उसको फिरतों में ही हम ये नुस्खा वगैरह लगा के देख लें। वैसे तो ये जो आपने बताई है नुस्खे वाली बात, ये जो मोटी वाली जो भी अच्छा है, लेकिन हम अगर ट्राई के तौर पर फिरतों के दौरान ही आस्ता आस्ता कबूतरों के ले इसी तरफ, तो वो बेहतर नहीं है सबसे बेहतर? कबूतर के दगा करने के चांस फिर भी ज्यादा रहेंगे, फिर भी रहेंगे, ठीक हो गया। अच्छा, ये 5 मिनट बैठ के टाइम खराब कर जाएगा। हाँ, और फिर 12 घंटे उड़ के आएगा। ठीक। अच्छा, उसकी कोई तदाबीर, कोई अच्छी, कोई कुछ नहीं है? ऐसे कबूतर को कुछ डाले ना तो बेहतर है, ठीक है। हाँ, क्योंकि ये मूडी कबूतर होते हैं, ये कहते हैं हमें छेड़े कोई ना हमें रात को हाथ लगाओ, ना हमें सुबह हाथ लगाओ। जो एक कबूतर खुराक खा रहा है, सारे काम कर रहा है, और वो हाथ में नहीं आ रहा आपके,